मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैथलिक विद्यालय माध्यमिकालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम आठवीं क्लास के विज्ञान विषय का 11 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है बल एवं दाब, फोर्स एंड प्रेशर। तो अपन पिछले दो वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि बल क्या होता है, बल के क्या प्रकार होते हैं, किस प्रकार से बल की क्या भूमिका रहती है और बल कैसे कार्य करता है, काफ़ी सी लोग उसकी करने पर आपको काफ़ी सी समझ में आती है। बल एक प्रकार सदिश राशि है, बल का मात्रक न्यूटन में कर रखा है, बल का सामान्य सूत्र क्या था कि एक बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण के रूप में बल को रिप्रेजेंट किया जाता था। और फिर बाद में देखा बल अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, उसको अपन ने अलग अलग क्रियाकलाप के माध्यम से भी समझा। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बलों के प्रकार। बलों के प्रकार के अंतर्गत बल दो प्रकार के थे, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, एक तो था स्पर्श बल और दूसरा था अस्पर्श बल। स्पर्श बल पुनः दो कैटेगरी में डिवाइडेड हो गया था, पेशीय बल तथा घर्षण बल, और अस्पर्श बल पुनः तीन कैटेगरी में डिवाइडेड कर दिया था कि उसमें था आपके चुंबकीय बल, विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल तथा अभिकेंद्रीय बल। तो काफ़ी चीज़ों को स्टडी करने पर आपको समझ बात आ रही थी, तो आज अपन स्टडी करेंगे बलों के प्रकार को विस्तार पूर्व से स्टडी करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, पहला आज हम देखने जा रहे हैं संपर्क बल। संपर्क बल से मतलब ये होता है संपर्क, टच करना, किसी से कनेक्ट होंगे तो ही आपके बल उत्पन्न होगा, बाकी बल उत्पन्न नहीं होगा। जैसे सिंपल सी परिभाषा लिखी थी, जब किसी वस्तु को स्पर्श करने पर बल उत्पन्न होगा, किसी वस्तु को स्पर्श करेंगे या टच करने पर ही, या दो शब्दों को आपस में पास पास आने से ही उनमें बल उत्पन्न होता है, कहलाता है एक संपर्क बल, दो चीज़ों को मिलने से। जैसे उदाहरण के रूप में आपके सामने दो उदाहरण पेश कर रखे संपर्क बल के, पेशीय बल तथा घर्षण बल। कौन सा? घर्षण बल। तो देखिए, पेशीय बल के बारे में पुनर्स्थिति करेंगे। पेशीय बल की क्या विशेषता होती है? ये जीव जंतुओं उत्पन्न होगा, जीव जंतुओं में डायरेक्ट जीव जंतुओं मांसपेशियां पाई जाती है, और मांसपेशियों की वजह से किसी वस्तु को उठाना या किसी वस्तु पर क्रिया करना, उसकी वजह से जो बल उत्पन्न होता है वो आपके आता है पेशी बल के अंतर्गत आता है। देखिए, पुनः अपन देख रहे हैं आगे इसको, पेशी बल जब किसी वस्तु को मांसपेशियां द्वारा स्पर्श या क्रिया करने पर उत्पन्न होने वाला बल पेशीय बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाएगा? पेशीय बल कहलाता है। पेशी बल के रूप में जैसे आपने किसी बुक को उठा रहे, तो बुक को उठाने के जो आप क्रिया को कर रहे हैं ना, जो बुक को उठाने के हाथ से सीधा कर रहे, तो बुक को उठा रहे तो इसमें आपकी मांसपेशी क्या हो रही, क्रिया कर रही, तो इस दौरान जो आपका बल उत्पन्न हो रहा है, जो किताब को आप उठा रहे ऊपर कर रहे, तो इसका मतलब आपकी मांसपेशियों क्या लगती है, और लगता है ताकत लगती, तो जो मांसपेशियों द्वारा जो बल उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं पेशी बल। या कोई भी वस्तु गिरी हुई उसको आप उठा रहे हो, कुएं से बाल्टी खींच रहे हो, या कहीं पे पत्थर को फेंक रहे हो, तो उसमें आप कौन सा बल लागू होता है? पेशीय बल लागू होता है। कौन सा बल लागू होता है? पेशीय बल। या किसी को धक्का देना है तो धक्का देने के ऑटोमेटिक थोड़ा भगवान से जो बल उत्पन्न होता है, अब
अपने जो बॉडी होती है एनर्जी उसी को यूज करते हुए मांसपेशी उसको क्या करती है फॉक्स लगाती है और धक्का देते हैं। तो साथ साथ क्रिया होती है किसके द्वारा होती है पेश के द्वारा होती है उसको हम बोलते हैं पेशी बल के नाम से जाना जाता है या मांसपेशी बल के नाम से भी जाना जा सकता है। इसमें उदाहरण रूप में आप देखें तो मांसपेशियों के द्वारा कौन कौन से काम करते हैं कई प्रकार के जीव जंतुओं को अपन उपयोग करते हैं। जैसे आप देखते हैं मेल ऊन घोड़ा गधा हाथी या अपन खुद मनुष्य या जीव जंतु अदर जितने भी तो उसमें देखते हैं जैसे बैलों पर आपने देखा होगा बैलों पर बैलगाड़ी लगा के चलते हैं तो बैलगाड़ी अपने आप क्या क्रिया हो जाती है अपने आप बैलगाड़ी चलती है। बस अरे बैल बैलों की मांस में से जो ताकत होती है उसके अनुसार वो वजन किसने कितने से रखते हैं आपने देखा भी होगा। ऊंट सवार एक काम आप दिया जाए और बाहर जैसे गद्दा काम आता है तो गद्दे पे आप लाद देते हैं बहुत मात्रा में बड़े बड़े पत्थर लाद के लाद के ऊपर लेते हैं बाहर होने के लिए तो गधे की मांसपेशियों में द्वारा जो बल लगेगा गधे की मांसपेशियों में बल होगा तो एक क्रिया कर पाए बात नहीं कर पाते। तो किसी भी जीव की हम बात करें उनमें डायरेक्ट डायरेक्ट क्रिया करने के लिए किसका योगदान होता है मांसपेशियों मांसपेशियाँ स्टेबल होगी स्ट्रांग होगी मांसपेशियाँ मजबूत हुई तो आप आसानी से क्रिया करके अपना काम कर सकते हैं और नॉर्मली कंडीशन में आप काम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेशी बल में आपकी मांसपेशियाँ स्टेबल होना जरूरी बताई गई है। और मांसपेशियाँ किसी भी प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी कार्य करने में एबिलिटी रखती है और उसके अनुरूप अपन कार्य करने में क्या होते हैं सक्षम होते हैं। ऐसा नहीं कि अपन एक आपकी उम्र तो छोटी 10-12 साल की और आप एक पूरे पार्ट को उठा जाओगे क्या उठा पाओगे पॉसिबल नहीं क्योंकि आपकी मांसपेशियाँ उतनी स्टेबल नहीं है कि एक पार्ट को उठा सकती है। तो अकॉर्डिंग टू देखें तो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग मांसपेशियाँ अलग अलग समय में क्रिया करती रहती है और उसके अकॉर्डिंग उसके अनुरूप ही कार्य करना होता है। तो जो अलग अलग कंडीशन के अनुसार तो ये था आपके पेशी बल के बारे में हमें सिंपल सी थ्योरी को स्टडी किया। तो पेशी बल में आपको देखने को मिलता है अलग अलग जीव जंतुओं द्वारा अलग अलग क्रिया करने के लिए मांसपेशियाँ यूज की जाती है और मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न किया जाने वाला बल आपके पेशी बल के अंदर अध्ययन करते हैं। सेकेंड बल आपके घर्षण बल कौन सा है घर्षण बल देखिए घर्षण बल क्या होता है घर्षण बल मतलब दो सतहों को घसने पर उत्पन्न होने वाला बल घर्षण बल दो सतहों को पास में लेके अपन क्या करेंगे जोर जोर से घिसते हैं और घिसने पर बल जो उत्पन्न होता है वो आपका होता है घर्षण बल। आपने कभी एक बार अनुभव भी किया होगा सर्दियों में जब आपको कड़ाके की सर्दी होती है और उस टाइम सर्दी आपको लगती है ठंड लगती है तब आपको कभी कभार आपने शारीरिक किस्त को बोला भी होगा कि जोर से हाथ घिसिए ऐसे जोर से हाथ घिसते हैं क्यों घिसते हैं हाथ घिसने पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ में आपको एनर्जी मिलती है और आपकी ठंड थोड़ा कम महसूस होता हुआ पाया जाता है। तो देखिए पहले आप पेशी बल को और जो मैटर आपके सामने अध्ययन करवा रहा था उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फिर बाद में देख रहे हैं घर्षण बल पर बात करने जा रहे हैं। हो गया होगा आपका स्क्रीनशॉट आगे देखिए बेसिकली आप देख रहे हैं घर्षण इसके बारे में पढ़ते रहेंगे घर्षण बल क्या होता है क्या इसकी विशेषता होती है किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आपको दृढ़ दिमाग पर था ये भी एक प्रकार का संपर्क बल का उदाहरण बताया गया है। इसका संपर्क बल का मतलब स्पष्ट करने पर ही प्रक्रिया संपन्न होगी आगे नहीं होता है। घर्षण बल में दो सतहों के मध्य उत्पन्न होता है घर्षण बल हमेशा किसके मध्य उत्पन्न होगा दो सतहों के मध्य उत्पन्न होता है जब दो सतह एक दूसरे के संपर्क में आने पर ही क्रिया होती है। सतह दोनों एक दूसरे के संपर्क में आई तो ही क्रिया होगी बाकी नहीं होगी ऐसे अलग अलग आपने रख दी एक को यहाँ पे रखा हो एक को यहाँ पे रखा तो कोई घर्षण क्रिया नहीं हो पाएगी। मान लो आपने एक सतह को तो यहाँ पे रख दिया ए को और बी को इसके ऊपर रख दिया और आप कहोगे कि घर्षण बल उत्पन्न होता ही नहीं तो आपके उत्पन्न घर्षण बल नहीं होगा। घर्षण बल कब उत्पन्न होगा दोनों सतह एक दूसरे की क्या है घर्षण बल में दोनों सतह एक दूसरे की क्या होगी
रस में संपर्क में होगी तभी आपके दोनों को आप घुसोगे तब आपके घर्षण बल उत्पन्न होता है। अब एक बार आपने देखा होगा मासिस के माध्यम से आप क्या लगा के आगे लगे और इन पिलियों को आप ऐसे हवा में घिसते रहते घिसते रहते तो आप अपने आप क्या उत्पन्न हो जाती नहीं होती। जब इस पिली को अपन यहाँ पे घिसते हैं इस सतह पर तब आप क्या उत्पन्न होती रात बनना शुरू हो जाती है। और अपन लिखने का भी प्रयास करते हैं, मान लो ऐसे दोनों शब्दों को आप प्रश्न कराओगे नहीं शौक को इतनी दूरी पर रखोगे और लिखना चाहोगे घर्षण तो क्या लिख पाओगे नॉट पॉसिबल। तो बोल्ट पे या रिफ्रिजरेटर जो भी प्रोसेस होता है वो भी किसके माध्यम से होता है वो भी आप देखते हैं रेगुलरली हर क्रिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखते हैं तो आपको समझ में बात आनी चाहिए कि वो भी लिखने की क्रिया भी एक घर्षण बल पर आधारित है। कोई भी लिखते हैं वो भी किस पर आधारित है घर्षण बल पर आधारित है। बोर्ड या डायरेक्ट लिखना कोई भी आप रिटर्न वर्क कर रहे हैं लिखने का कोई भी काम कर रहे हैं तो वो भी किस पे डिपेंड करेगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट घर्षण बल पर ही क्रिया होती रहती है। घर्षण बल होगा तो एक क्रिया होगी बाकी क्रिया नहीं हो पाती जनरली बात दिमाग पर रहेगी। तो देखिए दो सतहों के मध्य उत्पन्न होता है और तब उत्पन्न होगा दो सतह एक दूसरे के संपर्क में होने पर ही क्रिया होगी बाकी नॉट पॉसिबल क्रिया। दो सतह आपस में एक दूसरे के टच में नहीं है तो किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं होगी। के बाद जनरली बात दिमाग आपकी होनी चाहिए याद रहेगी बात। देखिए उधर धरातल पर चलना अपन जमीन पे चलते हैं या चप्पल को पहन के जमीन पे चलने का प्रयास करते हैं क्यों चल पाते हैं चलने के कारण कि आपके जूतों के मध्य इस प्रकार का घर्षण बल उत्पन्न होता रहता है और घर्षण बल की वजह से अपना आसन चल पाते हैं। बाकी घर्षण बल उत्पन्न नहीं हुआ तो किसी भी प्रकार से अपना चलना पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं अपन कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग माध्यम देखते हैं जैसे गाड़ियों को दौड़ना गाड़ियों का दौड़ना वो भी क्या है एक प्रकार का माध्यम वो भी प्रोसेस देखते हैं आप तो वो भी आपको देखने को मिलता है। गाड़ी भी टायर होते हैं टायर और सड़क के मध्य क्या उत्पन्न होता है घर्षण बल उत्पन्न होता है तब आप आसानी से चल पाते हैं। मशीनों का प्रयोग जितने भी प्रकार की मशीनरी होती है उनको भी चलने में कौन सहायक करता है घर्षण बल सहायक करता है। कौन सहायता करता है घर्षण बल। आग उत्पन्न होना बोर्ड पर लिखना या कहीं पर भी लिखने की क्रिया हो तो वहाँ पर भी घर्षण बल कार्य करता रहता है। वैसे देखें तो घर्षण बल डायरेक्ट बहुत लाभदायक होता है परंतु जनरली देखा गया कि घर्षण बल से कई प्रकार की हानियाँ भी उत्पन्न होती रहती है। घर्षण बल की वजह से गाड़ी के छक्के गिर जाते हैं अलग अलग प्रकार की मशीनों के बैरिंग खराब हो जाते हैं एक प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट टायर फट जाते हैं और बार बार ज़्यादा घर्षण होने से दो सतह नष्ट होने की संभावना भी रहती है और घर्षण बल के दौरान कई प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न भी होती रहती है जिससे बड़े बड़े हादसे होने की संभावना रहती है। तो जनरली आपने आज स्टडी किया घर्षण बल को समझा और पेशी बल को समझा यह था आपके संपर्क बल पर आधारित प्रक्रिया भी स्टडी किया। आगे अपन देखेंगे वो आएगा असंपर्क बल। असंपर्क बल के अंदर 3-4-8 अध्याय थे उसको भी एक एक कुछ लिए अपन व्यवस्थित करेंगे। तो आज आप घर बैठ के व्यवस्थित से ओनली फॉर संपर्क बल को व्यवस्थित से स्टडी करें समझें अनुचित न डाउट हो डायरेक्ट डायरेक्ट पूछ करें आज किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका अपन प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बार पुनः दोहरा लो संपर्क बल दो सतहों के संपर्क होने से क्रिया होगी ऑटोमेटिकली कोई क्रिया नहीं होती मतलब कोई जैसे आपने 9वें पाठ 10वें पाठ में पढ़ा भी था कि जैसे गर्भधारण की प्रक्रिया आमने सामने लोग देखने से ही नहीं होती या कि टेम्पलेट में लड़की है उसको सामने देखा और गर्भधारण हो गया ऐसा नहीं होता है।
तो दोनों क्या होता है, आपस में मिलाना पड़ता है, तभी जाकर प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ऐसे कैसे संपर्क बल में भी दो चीज़ों को आपस में मिलाना जरूरी होता है, और जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तब जाके कोई ना कोई क्रिया होती है। संपर्क बल के अंतर्गत दो पार्ट के अंतर्गत बल पड़े, एक तो था आपके पेशी बल और दूसरा था घर्षण बल। दिमाग बात रही है तो सिंपल सिंपल जो आपके मटेरियल ऑब्जेंट वगैरह है उसको व्यवस्थित से पढ़े समझे और अपना काम करते रहें। किसी भी प्रकार का कंफ्यूज डाउट हो डायरेक्ट डायरेक्ट प्रोसेस से जो समस्या समाधान करें। इंपॉर्टेंट बात ये गायत्री विद्या मंत्र यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रहे और अपना काम करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।